देश में जारी हिंदू मुसलमान की नफरत और हिंदुत्व की राजनीति के मसले पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि हिंदुत्व को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में होड़ लगी है, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त है तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अभियान ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। महाराष्ट्र स्टेट में अब ये सब कुछ हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि वहाँ अब राष्ट्रपति शासन लगाने की भी काफी मांग जोर पकड़ रही है। मायावती ने लव जिहाद को लेकर जारी बवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और धार्मिक परिवर्तन की आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। और अब मैं ये भी कहना चाहूंगी, खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में, यहाँ बरसों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारे सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है। और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारे सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। बरसों से मजारे बनी हुई और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें राजनीति ज्यादा नजर आती है और अपने राजनीतिक स्वार्थ में किसी की धार्मिक भावनाओं को या और उनके आस्था को ठेस पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल ये उचित नहीं है। साथ ही पिछले कुछ समय से देश में लव जिहाद व जबरन धर्म परिवर्तन आदि कराने को भी लेकर तथा इनकी आड़ में जो अब देश में धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, ये भी ठीक नहीं है। देश की जनता इनसे जरूर सावधान रहे। इसके अलावा यूपी में अब विशेषकर अपराधियों का भी जो आपस में तांडव चल रहा है, तो इससे जनता में काफी दहशत व्याप्त है। सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। बीएसपी की ये सरकार को सलाह भी है। बसपा अध्यक्ष ने इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ने का ऐलान किया है। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बीएसपी की चुनावी बागडोर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को दी गई है। इसके अलावा पूरे देश में वह राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेसी शासित राज्य में तथा तेलंगाना स्टेट की सरकार के साथ साथ
मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में यहां खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर हो रहा शोषण तथा यहां भी बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व साथ ही गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों का भी हो रहा उत्पीड़न आदि के विरुद्ध अर्थात इन चारों राज्यों में इस वर्ष हो रहे विधानसभा चुनाव में इन जरूरी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ यहाँ चुनाव में उतर रही है। इतना ही नहीं बल्कि इन सभी मामलों में यहाँ की जनता को जागरूक बनाने एवं चुनावी तैयारी के लिए भी बीएसपी केंद्रीय यूनिट ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को तथा इन चारों राज्यों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम को भी मुख्य तौर पर लगाया हुआ है, जो मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ इसी महीने से इन सभी जरूरी मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपना चुनावी अभियान भी शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चारों राज्यों में पार्टी के लोग यहाँ इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनावों में पार्टी व अपने हित में इनका जरूर लाभ लेंगे। मैं भी यहाँ विशेष तौर से ध्यान दूंगी। वैसे आप लोगों को मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले मैं तेलंगाना स्टेट में भी गई और वहाँ हैदराबाद में खास तौर से विधानसभा आम चुनाव को लेकर बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई जिसमें कई लाख लोगों ने भाग भी लिया और वहां तो चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। इसी साल चार राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने एमपी में चुनावी शंखनाद करते हुए हिंदुत्व को अपना हथियार बनाया है, वहीं बीजेपी भी हिंदू मुस्लिम के सहारे चुनावी जीत हासिल करना चाहती है। ऐसे में बसपा अध्यक्ष मायावती ने जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हिंदू मुस्लिम की सोड़ में बहन जी तोड़ बन पाती हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।